हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यहाँ पे आपको वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लियरली मेंशन हो चुका होगा, उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सो दैट्स अ क्वाइट पॉजिटिव अपडेट आई विल से हेयर, एंड द फिगर्स आर वेरी यू नो सरप्राइज्ड। वी आर क्वाइट सरप्राइज टू सी द फिगर्स। सो फ्रेंड्स, द पेंशन फंड वी विल टॉक हेयर एट 31 मार्च 2024। यू कैन सी हेयर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सो पेमेंट टू एंड प्रोविजन्स फॉर एम्प्लॉयज़, पेमेंट टू एंड प्रोविजन्स फॉर एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एस्टिमेटेड लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ पेंशन एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 50% फॉर ऑल द पेंशनर्स प्रोस्पेक्टिवली इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग डूअल रेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। तो यू कैन सी हेयर, एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डियरनेस रिलीफ टू प्री नवंबर 2002 रिटायरीज। सो एस बी रिपोर्टेड अ डेफिशिट ऑफ 39,301 करोड़ एंड सेम इज एक्नॉलेज्ड एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। हाउएवर ए आई बी पार्क, सी बी पी आर ओ एंड देयर लीडर्स क्लेम देर इज ह्यूज सरप्लस इन द पेंशन फंड। इफ वट दे से इज ट्रू, वाई कांट दे फाइल द क्रिमिनल केस अगेंस्ट द बैंक एंड इट्स ऑफिशियल फॉर फर्जिंग द अकाउंट स्टेटिंग डेफिसिट ऑफ 39,301 करोड़ नॉट प्रोवाइडेड एंड एक्नॉलेज्ड एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। सो इफ देर इज ह्यूज सरप्लस, वाई शुड द बैंक मेक एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 7,634.52 करोड़। सो यहाँ पे जो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस करंट ईयर वर्सेस द प्रीवियस ईयर। सो करंट सर्विस कॉस्ट, प्रीवियस ईयर सर्विस कॉस्ट, यू कैन सी हेयर फंडर स्टेटस डेफिसिट इज 39,300 करोड़ का यहाँ पे डेफिसिट क्लियरली मैंशनड करा गया है इन द पेंशन फंड। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम हेयर। और यूनियन ऑन द वन साइड इज सेइंग दैट द पेंशन फंड है जो दैट इज़ इन द सरप्लस, बट सरप्राइजिंगली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड अ डेफिसिट ऑफ 39,301 करोड़ एंड द सेम इज़ एक्नॉलेज्ड एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। बट जो हमारी सी बी पी आर ओ है, ए आई बी पाक है एंड दे आर लीडर्स क्लेम देयर इज ह्यूज सरप्लस इन द पेंशन फंड। सो इसके ऊपर देखेंगे अभी क्या क्लैरिफिकेशन, क्या प्रतिक्रिया यूनियन की तरफ से आती है। सो वी विल कीप यू अपडेटेड विद दैट। सो टेल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।